आज तड़के सिलीगुड़ी के दक्षिण देशबंधु पारा पाइपलाइन संलग्न इलाके में अग्निकांड की घटना में कई यात्रीवाही वाहन जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार वाहन मालिक अरूप दत्त ने हमेशा की तरह शुक्रवार रात को भी घर के सामने वाहन खड़ा किया था, लेकिन आज तड़के करीब 4 बजे अचानक वाहन में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश करते हुए घटना की जानकारी दमकल विभाग व पुलिस को दी। खबर मिलते ही दमकल कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। दूसरी तरफ आग लगने का कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। না কিছু তো এমনি দেখিনি, একটা মানে ভোরের দিকে 4:50 হবে একটা শব্দ শুনেছি। আচ্ছা, বাস উঠে দেখি পেছনে আগুন করছে, মোটামুটি জ্বলেই গেছে। তারপর তো আমরা ফোন করলাম পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড সবই ফোন করলাম। আস্তে আস্তে ফায়ার ব্রিগেড তো মোটামুটি 5:20-5:25 হয়ে গেছে, ততক্ষণে গাড়ি জ্বলে গেছে, পুরো লাগলো তা তো বলতে পারছি না। এনজিপি টু ইসে চাম্পাসরি। আচ্ছা,